हे गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज मंगलवार, आज डेट है 21 और टाइम अभी हो गया 4:58। मैं उठा हुआ हूँ 3 बजे से। मैं कुछ और कर रहा था, मैंने वीडियोस भी एडिट नहीं की क्योंकि फोन ही नहीं था मेरे पास में। ज्यादा फोन भी नहीं चलाना चाहता था, आंखें दर्द कर रही थी। इसे अब मैं दिन में एडिट करूंगा वीडियोस को। अब मुझे नहाना है, मुझे काफी दिनों से जुकाम हो रखा है, इसलिए गर्म पानी से नहाऊंगा मैं आज। टाइम बचेगा तो मंदिर पे चलेंगे आज हम। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि लंच में मेरे लिए बाटियां बन रही हैं, लेकिन बाटियां नहीं, मेरे लिए बन रही है पूड़ियां। पंद्रह मिनट लगे मुझे नहाकर वापस आने में, टाइम हो रहा है अभी 5:15, मतलब हम मंदिर पर चल सकते हैं। मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। मंदिर पे जाने के लिए जल और अगरबत्ती मैंने ले ली साथ में, चलते हैं मंदिर पे। हाँ भाई, अभी तो पूरा अंधेरा है, कोई जगह भी नहीं है गांव में, कुत्ते ना लग जाए पीछे। फाइनली हम मंदिर पे आ चुके हैं। यहाँ पे पैर धो लेते हैं नल से। 5:30 टाइम हो गया, जल्दी पहुँचना पड़ेगा घर पे वापस। पानी क्यों नहीं आ रहा यार राजा भाई। यहाँ अगर इतना अच्छा लगता है ना, मैं सोच रहा था कि अगर डेली ऐसा हो पाए कि मैं सुबह सुबह मंदिर आ सकूं तो कितना सही होगा। यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया है, अब चलते हैं वापस। शटर चैनल गेट को वापस कर देते हैं पर। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा नहीं तो बस छूट जाएगी आज। वो पूरा अंधेरा हो रखा है अभी तक क्योंकि सनराइज हुआ ही नहीं है, तो उजाले की कोई गुंजाइश नहीं है। ये रोड है ना मंदिर के रास्ते में, बस यही है जहाँ पे घर वगैरह नहीं है, बाकी तो गांव के बीच से आना पड़ता है। ओ, कुत्ते भौंक रहे हैं यार। बात से डर लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती मंदिर पे आने में। देखो पंजा दे रहा है। बाय। फाइनली मैं वापस घर पे आ गया। टाइम अभी हो रहा है 5:45 करेक्ट, यानी बस आने ही वाली होगी। यार एक अच्छा आइडिया है, अगर आगे से मंदिर पे जाएंगे तो चैम साथ में चलेगा, फिर कोई भोग के दिखाए मेरे ऊपर। ये रहा मिल्क एनर्जी के लिए, और ये अंगूर भी हैं, दादी जी ने रख दिए इतने अंगूर। उस कुत्ते को देख के ना इतना डर लग रहा था, मैं कुछ बोला ही नहीं उस टाइम पे। नाउ द टाइम इज करेक्ट 5:10 एंड आई एम एट होम, और आज घर पे आए हुए हैं। वेरी गुड। 10 इधर आ। नाउ द टाइम इज 5:35 और मैं निकल लिया हूँ खेत के लिए पैदल पैदल। घर पे स्कूटी थी बट मैं अकेला खेत पे जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना पैदल चलते हैं, थोड़ी रनिंग भी हो जाएगी। थोड़ी दूरी आया हूँ मैं और अभी गेहूं लगभग सभी के इस टाइप से हो चुके हैं कि 1, 2, 3, 4 ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में सभी कटवा लेंगे। रास्ते में एक भला मानस यानी मेरा फ्रेंड मिल गया था, तो उसने खेत तक छोड़ दिया। कैमरा से थोड़ा परहेज करता है इसलिए उसका फेस नहीं दिखाया उसने, उसकी बाइक क्लिप जरूर लिए मैंने। देखो तो पीछे कितना अच्छा सीन दिख रहा है इसमें, वो खेत पे
मैं आया था मुझे क्योंकि मम्मी जी ने बताया कि गेहूं कट रहे हैं हार्वेस्टर से, लेकिन लगता है हार्वेस्टर तो जा चुकी है गेहूं काट कर, अभी चल रही है भूसा वाली मशीन। रोड पे से लग रहा था जैसे अपने खेत पे चल रही है, बट अपने खेत पे नहीं चल रही है गेहूं, पता नहीं नीचे के, अरे नीचे हार्वेस्टर चल रहा है अभी भी खेत पे। देखिए हमारे मोहन भाई क्या बढ़िया जगह पे बैठे हुए हैं ट्रैक्टर पे, और सहदीप भी यहाँ पे मौजूद है। क्या चल रहा है काम खेत पे? कुछ नहीं, पुष्पदीप उधर से लाता है, मैं इधर से ले जाता हूँ, वो लाता है मैं ले जाता हूँ, यही चल रहा है। हार्वेस्टर नीचे चल रही है जंगल के एकदम लास्ट में, और पुष्पदीप आ गया गेहूं लेकर। चलेंगे इस ट्रैक्टर से, रिवर्स ट्रॉली को लगाना है इस। तो पैदल चलने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, हर जगह कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अभी मैं ट्रैक्टर पर बैठा हूँ और हम चल रहे हैं हार्वेस्टर के पास में सोनाली का ट्रैक्टर। खेत हमारा ये वाला कट चुका है और अब हार्वेस्टर यहाँ से जा रही है। दादाजी ने इतनी मक्का काटी है भैंस के लिए, तो ये रख लेते हैं ट्रैक्टर पे ही, इन्हें भी रख लिया ट्रॉली में। खेत में हार्वेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन देखो कितनी ज़्यादा उम्मीदें छूट जाती हैं हार्वेस्टर से। ये 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 चैम भी घूम रहा है हमारे साथ में। पुष्पदीप और दादाजी ट्रैक्टर से चले गए, मैं यहाँ जा रहा हूँ मूंग देखने के लिए, इसलिए मैं ट्रैक्टर पर नहीं गया। यार मूंग तो बहुत दूर से ही दिखने लगी, बड़ी बड़ी हो गई लगता है। यहाँ पे तो देखो अति मची पड़ी हुई है। ये रही मूंग। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:35 और बाइक यहाँ पे एक ही है। पापा जी चाचा जी भैंस के लिए जो गट्ठा था ना मक्का का, वो लेकर आएंगे। वो पुष्पदीप और मैं हम दोनों जा रहे हैं पैदल पैदल। सहदीप ने वीडियो बनाई, यहाँ पे ट्रॉली फंसी थी आज, शायद इसकी क्लिप है सहदीप के पास में, वो भी ऐड करूँगा अगर मैं मिल पाएगी। तो पहुँचते हैं आप घर पे। मैं तो क्या कॉलेज से इंजॉय करता हुआ आया और फिर खेत पे आया। पुष्पदीप सुबह से लगा हुआ था यहीं पे काम में, फिर भी उसको पैदल जाना पड़ रहा है। यार हम इसे देख के डर गए थे कि अचानक ये रोड पे शेर तो नहीं आ गया, मार ना दे यार, देखो कैसे देख रहा है, उसके इरादे तो ठीक नहीं लग रहे। हम दोनों जा रहे थे सॉन्ग सुनते हुए एंजॉय करते हुए। ये फोन था मेरे पास पहले, चलाऊंगा। फाइनली हम आ चुके हैं घर पे और दादी जी दाने सेक रहे हैं उम्मी के, आज व्रत है मंगलवार दी तो वो भी खाते हैं। तो फिर कौन भी पे का? कहीं भी नहीं हुआ, टेढ़ा हो गया। सो यार फाइनली वीडियो एडिट हो चुका है, इसको एडिट होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा, लेट भी हो रहा हूँ मैं वीडियोज अपलोड करने में, बट कोशिश रहेगी कि आगे से ऐसा ना हो। सो अगर एंड तक बने रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।